सूफी अदब के तमाम नाजरीन को आज की वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा ताकतवर और लाजवाब नुस्खा बताएंगे। ये बहुत बेहतरीन नुस्खा है। इस नुस्खे को सिर्फ शादीशुदा हजरात इस्तेमाल करें, गैर शादीशुदा इस नुस्खे से परहेज करें। एक बार इस्तेमाल करके बीवी से पूछ लें, अगर बीवी बर्दाश्त कर सके तो इस नुस्खे को इस्तेमाल करें, वरना नहीं। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। तीन अमल ऐसे हैं जो इंसान रोजाना करता है तो उसका रिस्क बहुत बढ़ जाता है। नंबर एक, तहज्जुद की नमाज पढ़ना। नंबर दो, कसरत से सदका करना। नंबर तीन, कसरत से अल्लाह का जिक्र और इस्तगफार करना। वो शख्स कभी कामयाब नहीं हो पाता जिसमें नाकामी का खौफ कामयाबी की चाहत से ज्यादा हो। उस शख्स से हरगिज मोहब्बत मत करो जो अल्लाह से मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि जो खुदा को छोड़ सकता है वो तुम्हें भी छोड़ सकता है। सूरह शम्स में अल्लाह ताला 11 कस्में खाने के बाद फरमाता है, बेशक वो कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पाकीज़ा बना लिया। लोगों की बातें पत्थरों की तरह हैं, इनको पीठ पर लादोगे तो ये पीठ टूट जाएगी। इनको अपने कदमों तले एक बर्ज बना लो तो उन पर चढ़कर बुलंद होते जाओगे। आज का नुस्खा मुलहजा फरमाएं, 5 अदद खजूर, 5 दाने मनका, 10 दाने बादाम, इन तमाम चीज़ों का सफूफ बनाकर, एक चुटकी ज़ाफ़रान मिलाकर नीम गर्म दूध के अंदर डालकर रात को पी लें। आपके इखलाक की कदर भी लोग उस वक्त करेंगे जब आपके पास दौलत और ताकत हो। गरीब कितना ही खुश इखलाक क्यों ना हो, लोग उसके इखलाक को उसकी कमजोरी समझते हैं। गुर्बत पर कभी अफसरदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी अल्लाह की एक आजमाइश है। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शुक्रिया।